पीएम मोदी ने शनिवार को अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अब अयोध्या शहर एयर कनेक्टिविटी के जरिए देश विदेश से जुड़ गया है। भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि इसे 20 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पिछले साल अप्रैल में MOU पर हस्ताक्षर किया था। इसके अनुसार ही अयोध्या एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ भूमि मुहैया कराई गई। संजीव कुमार आगे बताते हैं कि अयोध्या के लिए एयर कनेक्टिविटी जरूरी है और एयरपोर्ट प्राधिकरण इस विस्तार से खुश है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में कनेक्टिविटी बेहतर होने से अधिक संख्या में पैसेंजर्स की आवाजाही होगी। हम एयरपोर्ट अथॉरिटी में इस विस्तार को लेकर बेहद उत्साहित हैं। एयरपोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष ने नवनिर्मित हवाई अड्डे पर टर्मिनल के विस्तार की संभावना की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि अब हवाई मार्ग से भी अयोध्या पहुंचा जा सकेगा। अभी बनाया गया टर्मिनल छोटा है, मगर भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा। बता दें कि एयरपोर्ट मुख्य अयोध्या शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें आधुनिक निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। उसे अयोध्या स्टेशन के नए भवन की भांति ही पारंपरिक स्वरूप प्रदान किया गया है। इसका मुख्य द्वार भी इसी तरह बनाया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का पहला चरण 1,450 करोड़ रुपये की अधिक लागत से विकसित किया गया है। एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6,500 वर्ग मीटर है, जो सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की सेवा करने के लिए तैयार है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।